गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड क्लास 12th चैप्टर 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का ये वीडियो बड़ा ही एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आई नो कि ऐसे वन एग्ज़ाम बहुत नज़दीक लग गए हैं बच्चों के, और इन ऐसे वन एग्ज़ाम्स का जो डर है वो बच्चों के फेस पे जो है मुझे देखने को मिल रहा है। तो उस डर को, उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आज यहाँ पर मैं एक स्पेशल वीडियो के साथ आया हूँ, और ये वीडियो जल्दी ही YouTube चैनल पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड भी किया जाएगा, ताकि आप वहाँ से इसको देखकर अपने जो स्ट्रेस है उसको जो है रिमूव कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आई नो कि आप चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से कर चुके हैं, बट स्टिल सम ऑफ द स्टूडेंट्स, और वी कैन से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन कन्फ्यूजन्स। He or she is in confusion, and the confusion is that कि किस तरह के questions आएंगे, कैसे हमें उसको attempt करना है, कितने कितने marks के होंगे। तो ये video आज का मेरा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जो उन्हें main confusion रहती है कि question किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं और कितने कितने marks के पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें उसे attempt करना है, आज इस video के through मैं आपको सिखाऊंगा। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज द पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी ही मैं रिलीज कर दूंगा और जल्दी उसे अपलोड भी कर दूंगा, ताकि आप इसका सेकंड पार्ट भी देख पाएं। और आई अश्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स से आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो आपके दिमाग में है कि क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, ये सब मैं यहां से आपको क्लियर कर दूंगा। और ताकि ये जो एक स्ट्रेस जो फेस पे आपके नज़र आ रहा है, जो एक डर कि माँ पेपर कैसा होगा, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चंस पुट किए होंगे, ये आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आप पेपर को बड़े अच्छे से आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे बच्चों के स्ट्रेस को दूर किया जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के, और कैसे हमें उसे अटेम्प्ट करनी है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इन वीडियोस में दूंगा। तो हमारा है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर आप बुक है आपके पास तो आप ओपन कर लें प्रदीप की, मैं उस चैप्टर्स पे आ रहा हूँ। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स विच इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 जिसमें अगर आपके पास बुक है तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है आपके पास, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें सिंपल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देनी होगी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और उसको आप अगर स्टडी करना चाहते हो तो फिजिक्स की जिस ब्रांच का आप यूज करोगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड, हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ये भी अपने आप में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। गिव द डिफरेंसेस, गिव द differences between the differences between the conductor, insulator and dielectrics। ये आपका 2 marks का question पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास एक concept आता है जो आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है, डिफाइन
क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, डिफाइन क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे इस YouTube चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्रा में मिल जाएंगे। जब आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपने प्लेलिस्ट चैप्टर 12th यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का खोल देना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इन वीडियो में आपको क्वेश्चन जानने के बाद बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। दिमाग में जो अभी तक चल रहा था कि भाई क्या होगा पेपर में, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे, तो वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और इफ़ यू वॉन्ट टू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू हैव टू गो टू माई चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। जब आप ओपन करेंगे देन उसके बाद आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पे जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं। चले आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं क्वांटिनाइजेशन के बाद। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गिव द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास, गिव द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास, कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस है। आपको 4 to 5 डिफरेंसेस वहां पर लिखने होंगे, जिसमें पहली आप चार्ज की डेफिनेशन से ही शुरुआत कर सकते हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस मैं आज अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में 101% पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन कूलम्ब लॉ एंड एक्सप्लेन द कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 101% ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कूलम्ब लॉ क्या है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपका आर्टिकल है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब लॉ तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, क्लास में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा कि कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमें क्या कहता है। और सेकेंड एक चीज और ध्यान रखेंगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और 2 पॉइंट चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में कुछ एक इंट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे और वो फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर तो चार्ज पार्टिकल हमारे सेम नेचर के हैं, मींस लाइक चार्जेस हैं, तो ये फोर्सेस आपके रिपल्सिव लगेंगे। अगर जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नेचर के हैं तो ये फोर्सेस आपके अट्रैक्टिव लगेंगे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस डिस्टेंसेस का। तो चले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसमें हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर कई बार एक नंबर में डेफिनेशन भी आ जाती है, डिफाइन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पास कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप एक्सप्लेन करें। और वन मोर थिंग, जो कूलम्ब्स लॉ है इस पे आपको न्यूमेरिकल्स 101%, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका SA1 एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, देखने को मिल सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में 101% कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आपको इस पे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अगेन आई एम सेइंग आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा, इट इज़ माई यूट्यूब चैनल। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। आप वहां से उन न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं ताकि आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास
एक डेफिनेशन आती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस पर कहीं बार एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स का, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप में बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। पहले आपने डेफिनेशन देनी है, देन उसके बाद बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक डेरिवेशन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारे बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गिव इट्स प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, आप हमें इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गिव इट्स प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन देनी होगी कि इट इज अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन आपकी एक नंबर की रहने वाली है, और इसकी प्रॉपर्टीज आपकी 2 मार्क्स की रहने वाली हैं, जिसमें 4 या नियर अबाउट 4 प्रॉपर्टीज, तो आप ये मान के चले कि आपको एग्जामिनर को वहां पर देनी चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं हमारे पास, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें आपका एक ही नंबर का क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका एक ही नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस से टू ए। क्या बताएंगे? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से टू ए। तो ये आप डेफिनेशन यहां पर दे सकते हैं 2 मार्क्स की। फिर एक क्वेश्चन अपने आप में बनता है डाइपोल मूवमेंट। क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन डाइपोल मूवमेंट। ये भी एक नंबर का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन देते हैं। लेकिन इसके नीचे आप एक छोटा सा नोट बना सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ गुड अटेम्प्टेशन, जिसमें आप बताएंगे कि डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल और पेपर में 101% पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूं। क्वेश्चन है आपके पास ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम मैनर से क्वेश्चन आएगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दोनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के आपके पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड में 2 सेट आते हैं या 3 सेट आते हैं, तो उस केस में हर सेट में डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यही आ सकता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम मैनर से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल
line of an electric dipole. ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में फोर फोर मार्क्स के। मान लेते हैं कि एग्जामिनर ने तीन सेट बनाया, तो एक सेट में वो आपको ये क्वेश्चन डाल के देगा फोर मार्क्स का, एक में ये डाल देगा। और सम टाइम्स एग्जामिनर आपसे ये भी कह देता है कि प्रूव दैट ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू टू। ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए वो हमें कह देता है, क्या कहता है कि ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू टू। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका डेफिनेटली फाइव मार्क्स में आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस आर्टिकल को ड्राइव करना है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे इक्वेशन नंबर वन देंगे, फिर आपने इस क्वेश्चन को ड्राइव करना है उसको इक्वेशन नंबर टू देंगे, तो डिवाइड कर देंगे इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से, तो आपके पास जो है एक रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा कि ई एक्सएल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू टू। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे पास एक आर्टिकल आता है जिसका एक क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये आपका फोर मार्क्स का क्वेश्चन है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, जिसमें आपको एक रिंग दी जाएगी और आपको उसकी सेंट्रल एक्सिस के ऊपर जो लाइन उसकी सेंटर से पास हो रही है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अगेन आई एम सेइंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो अटेम्प्टेशन का पार्ट जानने के लिए और क्या क्या इसमें हमें राइट डाउन करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्रा पे जाना होगा। वहाँ पर आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 12th की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर आपने जाना है यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड, वहाँ पे आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल के साथ क्या हो रहा था, वो डाइपोल रोटेट करने लग गया था। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है पेपर में ऐसे नहीं आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया मैंने, जब भी आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल पे एक फोर्स लगता है, ये आर्टिकल भी मैं आपको करवा चुका हूँ। जब भी आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन इट विल फील ए फोर्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल placed in a uniform two-dimensional electric field। ये क्वेश्चन आपका फोर मार्क्स का आ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल placed इन a यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमारा ये रिजल्ट आया था टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इट मींस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको मेरे उस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो
इस तरह के जो क्वेश्चंस है, दिस इज द पार्ट वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट वन। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं और उसे सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, तो बहुत जल्दी आप देख पाएंगे मैं इसका पार्ट टू भी रिलीज़ करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। और उसकी जो कंप्लीट अटेम्प्टेशन है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्रा पे जाकर प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो यूनिट वन चैप्टर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो प्लेलिस्ट है ऑन करते ही इन सभी क्वेश्चन के आंसर वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और किस किस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने क्वेश्चन अभी इस पार्ट वन वीडियो में डिस्कस करे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर्स क्या होंगे, कैसे उन्हें हमें सॉर्ट आउट करना है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, न्यूमेरिकल के आंसर्स जानने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्रा पर जाना होगा। सब्सक्रिप्शंस ऑन करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो पार्ट टू वीडियो है, पार्ट थ्री जो आने वाली वीडियोज़ हैं, जो पार्ट फोर आने वाली वीडियोज़ हैं, क्योंकि मैंने यूनिट वन को, जिसमें दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन वीडियो आज आपको मिल जाएगी, पार्ट टू वीडियो में भी शायद कल तक मैं रिलीज कर दूं, देन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स पे जब हम आएंगे तो इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पार्ट वन का वीडियो मैं जल्दी ही आपको भेज दूंगा इस वीक में, और पार्ट फोर जो है उसका वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। तो आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको रिलीज़ होते रहें और पहुंचते रहें, और ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कितने कितने नंबर के, ये आपको क्लियर होता रहे, तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे। माई यूट्यूब चैनल इज़ पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्रा। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, देन डेफिनेटली आई विल अश्योर टू यू कि मेरे इस यूट्यूब चैनल से आपको वो सभी डाउट्स, वो सभी जो एक कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस का कारण बन रहे थे, उन सबको जो है रिमूव आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो स्ट्रेस जो बच्चे पढ़ने के बाद भी ले लेते हैं, आई डेफिनेटली अश्योर टू यू कि इस कंसेप्ट का मैं यहाँ से सफाया कर दूंगा और आप पेपर में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्रा। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्रा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गुरु जी।